23 भर्तियों के लिए आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो जिस प्रकार उत्तराखंड में लगातार UK SSSC भर्तियों में धांधली के जो प्रकरण हैं वो सामने आ रहे हैं, उस प्रकार से जो आयोग का परीक्षा कैलेंडर है वो फिलहाल के लिए जो है रोक दिया गया था। उसके हिसाब से जो परीक्षाएं जब होनी थी उनको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, और जो अन्य परीक्षाएं थी जो कि भर्ती धांधली के संदेह में आई थी उन पर जो है जांच चल रही है। लेकिन इसी के बीच जब गवर्नमेंट द्वारा ये निर्णय लिया गया कि UK SSSC की परीक्षाएं अब UK PSC कराएगा, तो उसके बाद अब जो है 23 भर्तियों के लिए नया जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी होने वाला है। तो इसलिए आप सभी जो है अपनी तैयारियां करते रहिए, एग्ज़ाम की डेट जो है कभी भी आ सकती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिली 23 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेगा। लोक सेवा आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक इतनी भर्तियों को कराने में स्टाफ की ज़रूरत पड़ी तो सरकार से मांगा जाएगा। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक में पेपर लीक और ऑनलाइन वंदरोगा में नकल के बाद आयोग से भर्तियां छीन ली गई। कैबिनेट बैठक में 5 परीक्षाओं को रद्द करते हुए कुल 23 भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने का निर्णय हुआ था। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। भर्तियों से जुड़े अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगे जाएंगे। आयोग के सचिव GS रावत ने कहा कि उन्होंने परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। स्टाफ के सवाल पर उन्होंने कहा कि लगभग पूरा है, लेकिन नई भर्तियों का काम बढ़ने पर जरूरत पड़ेगी तो स्टाफ की मांग की जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव GS रावत ने कहा कि तैयारी पूरी, लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराना न्याय संगत नहीं। देहरादून उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 23 परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के पास पहले ही ऐसे कई पदों की जिम्मेदारी है जो प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन पदों की परीक्षाएं कराना और परिणाम घोषित करने में बहुत समय लगता है। उन्होंने कहा कि सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को ठीक करे, सभी परीक्षाएं इसी आयोग से कराए। अगर आयोग सुचितापूर्ण कार्य नहीं कर रहा तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा लगभग जो तैयारी है वो कंप्लीट है एग्ज़ाम्स कराने की। तो इन 23 भर्तियों के अंतर्गत जो है पुलिस कॉन्स्टेबल से लेके पुलिस SI का फिजिकल हो गया, पटवारी, लेखपाल और जितने भी एग्ज़ाम पे स्टे लगा हुआ था लगभग जो है वो सारे एग्ज़ाम अब लोक सेवा आयोग द्वारा करवाए जाएंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जो है बेस्ट ऑफ लक। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।